हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज का हमारा टॉपिक है टैली से GST R1 वर्किंग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हम इससे आपके लिए और बेहतर बेहतर वीडियो बना सकें। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे टैली से GST R1 कैसे बनाते हैं और इसे GST से किस तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर डिस्प्ले में जाने के बाद सिटी रिपोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम GST R1 में जाएंगे तो हमारे सामने विंडो ओपन होगी। इसका एक शॉर्टकट फॉर्म जो है, शॉर्टकट की जो है DOG। अगर हम यहाँ पर DOG प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्टली रिटर्न वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, रिटर्न वाली विंडो में चले जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सामने स्टेटी रिपोर्ट की विंडो ओपन हो चुकी है और हम यहाँ पर GST पर एंटर करेंगे तो हमारे सामने GST रिपोर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हम यहाँ पर अभी जिसमें GST R1, GST R2A, GST R3 भी हमारे सामने ऑप्शन आते हैं, जिसमें अभी हम यहाँ पर GST R1 सीख रहे हैं तो हम यहाँ पर GST R1 पर एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम GST R1 पर एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने GST R1 की विंडो ओपन हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे अभी कि हम किस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स कितने हैं, ये हमारे सामने स्क्रीन में शो कर रहा है सबसे पहले, और उसके बाद हमारे पास इंक्लूडिंग HSN समरी हमारी कितनी है, उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर शो कर रही है, और उसके बाद हमारे HSN कोड में कोई इन्फॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व होता है, टू बी प्रोवाइडेड जो है वो जीरो है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर इनकम्प्लीट मिसमैच इन इन्फॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ जीरो शो कर रहा है। अगर आपके आपके रिटर्न में जो भी आपने एंट्रीज की हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमको पीरियड सेलेक्ट करना है किस मंथ की हम यहाँ पर GST R1 फाइल कर रहे हैं, तो हम उस मंथ का पीरियड यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आज देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकम्प्लीट मिसमैच में हम जीरो शो कर रहा है, तो इसका मतलब यह कि हमारी जो एंट्रीज हम जिस मंथ की हम एंट्रीज की कर रहे हैं वो हमारी सारी एंट्रीज सही हैं, कोई भी एरर उसमें मिसमैच या एरर नहीं है, तो हमारा ये पूरा डेटा कंप्लीट है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमारे सामने B2B इनवॉइसेस शो कर रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं B2B इनवॉइसेस शो कर रहा है, जिसमें हमारी टैक्सेबल वैल्यू, CGST वैल्यू, SGST वैल्यू, IGST वैल्यू और सेस अमाउंट शो करता है। इस तरीके के बाद हमारा B2C लार्ज हमारा शो करता है, जिसमें अगर हम इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं और B2C वाली पार्टी रहती है और हम 2.5 लाख से ज़्यादा का गुड सेल करते हैं तो उसकी B2C वाली एंट्रीज हमारी दूसरे नंबर पर शो करती है। थर्ड नंबर पर आती है हमारे B2C स्मॉल। यदि हम B2C स्मॉल जो कंज्यूमर को हम गुड सेल करते हैं तो वो हमारे B2C की कैटेगरी में जाता है। जो भी हम यहाँ पर हमारे टैक्सेबल वैल्यू, IGST वैल्यू, CGST वैल्यू, SGST वैल्यू हमारी यहाँ पर शो करती है। इस तरह से अगर हम कोई डेबिट नोट होता है, हमारा कोई क्रेडिट नोट होता है, या फिर हम कोई इनवॉइस अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एंट्रीज भी हमारे यहाँ नीचे शो करेगी। और उसके बाद अगर हमारी कोई एडवांस में अगर हम कोई पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्रीज होती है, कोई एडवांस हम एडजस्टमेंट करते हैं तो उसकी एंट्रीज यहाँ होती हैं, और यहाँ पर कोई अगर निल रेट वाली हम यहाँ पर गुड सेल करते हैं तो उसकी डिटेल हमारी यहाँ पर आती है। उसके बाद आप यहाँ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे टोटल इनवॉइस टोटल में जाके टोटल इन वाउचर्स काउंट्स हमारे कितने हैं वो दिखाता है, और टैक्सेबल वैल्यू दिखाता है, IGST, CGST, SGST और सेस अमाउंट होता है तो वो दिखाता है, और टोटल हमारी इनवॉइस वैल्यू शो करता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर GST R1 को डायरेक्टली यदि हम पोर्टल से अपलोड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कोई जो टैली में हमने जितनी भी वर्किंग की है और जितना भी हमने यहाँ पर टैली में एंट्रीज की हैं B2B वाली पार्टी, B2C वाली पार्टीज की, तो हम चाहते हैं कि इनकी फाइल हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, और इसके लिए हम यहाँ पर टैली से ही फाइल को जनरेट करने के बाद अगर यदि हम इसको पोर्टल में अपलोड करना चाहते हैं तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राइट साइड में हमारा एक्सपोर्ट GST R1 का ऑप्शन हमारे सामने शो कर रहा है। यदि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक्सपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं या फिर हम ऑल्ट ई प्रेस करते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे सामने एक्सपोर्ट का फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। इसमें एक एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है और दूसरा आ रहा है GSN फाइल का, GSON फाइल का जो हमारा फॉर्मेट आ रहा है। GSON फाइल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो
हम इस फाइल को जब भी सेव करेंगे, और जो फाइल हमारी सेव होगी, जहां पर भी सेव होगी, जो भी हमने पाथ दिया हुआ है, यहाँ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा ई ड्राइव का हमारा पाथ आ रहा है। इस फाइल को अगर हम सेव करते हैं, तो ये फाइल अगर हम डायरेक्टली पोर्टल में अपलोड कर देते हैं, तो हमारी GST RN की पूरा डेटा जो हमने टैली में फीड किया हुआ है, वो हमारा सारा डेटा उठ के पोर्टल में हमारे अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली यहाँ JSON फाइल में अपनी डेटा टैली डेटा को आप सेव करके, और इस फाइल को आप एक्सपोर्ट करके डायरेक्टली पोर्टल में भी अपलोड कर देंगे, तो आपकी सारे डेटा GST RN का डेटा जो रहेगा वो आपकी पोर्टल में भी अपलोड हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर एक्सेल में अपलोड कर रहे हैं, मैं आपको पूरी वर्किंग दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यह वर्किंग की जाती है। यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट का ऑप्शन के लिए एक्सेल सेलेक्ट किया, यहाँ फाइल का नेम वो लिखा, और उसके बाद हम यहाँ पर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी भी हम यहाँ पर यस कर देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम अगेन यहाँ पर ऑल एक्सपोर्ट ऑफ हम का ऑल वाउचर करते हैं, और हमारे सामने एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर यस करेंगे या एंटर की प्रेस करते हैं, तो हमारे सामने GST RN की रिपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट होने स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारी GST RN की रिपोर्ट एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ देखेंगे कि हमारी फाइल जो जनरेट होगी वो हमारी एक्सेल के फॉर्मेट में आएगी, और किस तरह से हमारा डेटा आएगा ये भी आप स्क्रीन पर प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। फाइल एक्सपोर्ट होने में थोड़ा समय लेता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज जनरेट होती हैं, तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारी फाइल, तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, और आपको मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा कि किस तरह से ये हमारी शीट यहाँ पर एक्सपोर्ट होके आती है, पूरा हमारा जो R1 का डेटा वो किस तरीके से आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक किया हुआ है वर्कशीट जो हमने ली है, सबसे पहले B2B वाली पार्टीज की ली है। यहाँ पर हमारी जितने भी हमने B2B वाली पार्टीज ली हैं, जिन पार्टी को हम यहाँ पर, जिन पार्टी का GST नंबर होगा, तो उनका हम यहाँ पर GST नंबर लेते हैं, तो वो सारी हमारी B2B वाली पार्टीज में जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारी पार्टी का GST नंबर होता है, दूसरा इनवॉइस नंबर होता है, और तीसरी कॉलम पे आप देख रहे हैं कि हमारा इनवॉइस डेट आ रही है, और उसके बाद हमारी इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर एक्सपोर्ट होकर आ जाती है। उसके बाद हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई आता है, हमने किस स्टेट में हमने गुड सेल किया है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाता है। फिर रिवर्स चार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल है तो हमारे नो लिख देते हैं, और उसके बाद इनवॉइस टाइप रेगुलर रहता है, और GST का रेट रहता है, टैक्स वैल्यू रहती है, और उसके बाद यदि हम कोई सेस का पार्टी को गुड सेल करते हैं, तो अगर उसमें सेस चार्ज होता है तो सेस भी यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट होके आ जाता है। तो हमारी एंट्रीज बस सही होनी चाहिए, तो हमारी पूरा डेटा हमारे प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट होके आ जाता है। उसके बाद हमारा फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम आगे, अब दूसरी शीट हमारी होती है B2C लार्ज। यदि हम कोई इंटरस्टेट गुड सप्लाई करते हैं, ये हमारा तो था पूरा B2B वाली पार्टी का था गुड्स, और हमने यहाँ पे पूरी इन समरी जो हमारी जनरेट होके आई वो B2B वाली पार्टी की आई। दूसरा हमारा होता है B2C लार्ज, यदि हम कोई पार्टी को गुड सेल करते हैं और इंटरस्टेट सेल करते हैं, और वह B2C वाली पार्टी होती है, और उसका इन्वॉइस की वैल्यू जो रहती है वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर होती है, तो वो B2C लार्ज वाली इन्वॉइस में जाती है। इसमें हम यहाँ पर इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, इन्वॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स रेट, टैक्स वैल्यू और सेस अमाउंट हमारा आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है B2C लार्ज। B2C लार्ज में हमारा यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले अदर देन ई कॉमर्स लेते हैं, और उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई आता है, और टैक्स रेट आता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारा 5% और 18% का हमारा टैक्स रेट है, यहाँ पर हमारी टैक्स वैल्यू आती है, और यदि हमारा सेस अमाउंट होता है तो हमारा सेस अमाउंट भी यहाँ पर आ जाता है। यदि हम ई कॉमर्स पार्टी को गुड सेल करते हैं तो वो उसका यहाँ पर हमारा GST IN यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से हमारी B2C वाली पार्टी का, जो भी हम B2C जिन पार्टी का GST नंबर नहीं होता है, उनका यहाँ पर टैक्स वैल्यू ओनली होती है। उसके बाद यदि कोई डेबिट क्रेडिट नोट होता है तो यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे आते हैं हम डायरेक्टली HSN समरी पे। हर गुड्स का एक HSN कोड होता है, उस HSN कोड को हमारा GST पोर्टल रीड करता है और आइडेंटिफाई करता है कि हमारा ये कौन सा गुड्स है। तो यहाँ पर HSN समरी में हमारी बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होके आती है, जिसमें हम यहाँ पर हर गुड्स का HSN कोड हमारे यहाँ पर यहाँ एक्सपोर्ट होके आता है, और उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी होता है कि वो कौन सा गुड्स है। और उसके बाद UQC होता है, जो कि हमारी इनवॉइसेस में हमने जो गुड्स सेल किया है वो उसकी नंबर ऑफ मेजरमेंट क्या है वो हम बताते हैं, कि वो नंबर्स में है, बॉक्सेस में है, या स्क्वायर फीट में है, या बैग्स में है, जो भी रहता है उसकी डिटेल हमारी यहाँ पर आती है, तो हम उसको यहाँ पर
डिफाइन करते हैं, और उसके बाद वो भी बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ एक्सपोर्ट होके आता है। उसके बाद हमारी टोटल क्वांटिटी आती है, टोटल वैल्यू आती है, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू आती है, और IGST अमाउंट आता है, CGST अमाउंट आता है, और SGST अमाउंट होता आता है, और उसके बाद यदि कोई सेस अमाउंट होता है तो सेस अमाउंट भी हमारे यहाँ पर आ जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, इस HSN समरी में टोटल अमाउंट हमारा आता है, B2B वाली पार्टी का आता है, B2C वाली पार्टी का आता है, B2C लार्ज का आता है, B2C स्मॉल का आता है, सारी हमारी सेल का ओवरऑल एक महीने में हमने जो भी सेल किया होता है वो सारी सेल का अमाउंट हमारा यहाँ HSN समरी में शो करता है। और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे डॉक्यूमेंट सीरीज पे, डॉक्स में आते हैं। डॉक्स में हमारे यहाँ होता है, हम यहाँ पर जितनी भी इनवॉइसेस की सीरीज चला रहे होते हैं तो वो हमारी सीरीज यहाँ पर एक्सपोर्ट होके आती हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि हम 21/22/976 से हमने बिल स्टार्ट किया है और 1150 तक हम डाले हैं, जितने भी हमने बिल बनाए होंगे तो उन बिल की क्वांटिटी यहाँ आती है, और इन सब के बीच में यदि कोई हमने इनवॉइस यहाँ पर कैंसिल की है तो वो इनवॉइस कैंसिल करने का हमारा जो भी इनवॉइस इतनी भी कैंसिल की होंगी वो कैंसिल इनवॉइस हमारी यहाँ पर आ जाती हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, हम यहाँ पर GST R1 टैली से जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर GST पोर्टल से एक ऑफलाइन यूटिलिटी पोर्टल की एक फ़ाइल मिलती है, जिसमें हम यहाँ पर GST R1 में वो फाइल को अपलोड करते हैं। पोर्टल से जो हम ऑफलाइन यूटिलिटी पोर्टल डाउनलोड करते हैं, उस फॉर्मेट में हमें यहाँ पर ये जो हमने एक्सेल से एक्सपोर्ट की है फाइल को, इस फाइल के डेटा को हमें उस पोर्टल वाली यूटिलिटी पोर्टल वाली जो इन फाइल होती है उसमें हमें पेस्ट करना होता है। सारा डेटा को पेस्ट करने के बाद उस डेटा को, उस वाली पोर्टल वाली फाइल को हमें GST पोर्टल में अपलोड करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से GST R1 जो है रिटर्न पोर्टल में अपलोड करके फाइल कर सकते हैं, और हमारा पूरा का पूरा डेटा वहाँ पर अपलोड हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप टैली में या GST पोर्टल में और क्या सीखना चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो देखें।